6 घंटे के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तानी अवाम पूरी मायूस है इस टाइम उनके पाकिस्तान विजिट ना करने पर। दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि वो 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। गाइस 6 घंटे के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकते और 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्या वजूहत है, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं पाकिस्तान से? उसके बरक्स हिंदुस्तान को सेफ मानकर 3 दिन के लिए हिंदुस्तान विजिट करेंगे, और उनका ये भी कहना था कि मैं हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और वो क्या एक्सप्लोर करेंगे वो भी आने वाले टाइम के अंदर। मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया के प्रिंस पाकिस्तान आ रहे थे 6 घंटों के लिए, सर उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और 3 दिन के लिए अभी हिंदुस्तान जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? G20 की मीटिंग वहाँ पर समिट करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी नहीं आ रही। यहाँ पर कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता, कभी यहाँ पर हमारे लिए टैक्सेस बढ़ा दिए जाते, हर किस्म की मतलब कि बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, उनके लिए इतनी नेक खबरें। हम हैं जो यहाँ पर कटोरा लेकर हर मुल्क जा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखेंगे बांग्लादेश है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम जब अपने मुल्क की खामियां बताते हैं तो लोग समझते हैं कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। आपको नहीं लगता कि इस टाइम ये टाइम है कि मुल्क के अंदर जो खामियां हैं उसको दुनिया को बताया जाए कि भाई ये हमारे अंदर खामियां, इसको दूर करने की ज़रूरत है, या चुप रहकर गुन्ने बन के देखते जाएँ जो कुछ हो रहा है? प्यारे भाई, जिन 3 ममालिक चांद पर भेजने से इंडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट में कोई इजाफा हुआ, क्या वो दुनिया के लिए कोई बड़ा काम करने जा रहा है कि चांद के बारे में बताएगा दुनिया को? तो हमें तो अपना नहीं पता, इंडिया दुनिया के बारे में बताएगा, चांद के बारे में दुनिया को बताएगा, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? भाई इंडिया दुनिया का 4th मुल्क बना है जिसने चांद पर लैंड किया, साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क, और साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क है, यानी कि उसकी जो रिसर्च साउथ पोल के वाले से होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगी और उसकी अपनी कमांड में होगी। अगर वो वहीं उतरता जहाँ बाकी उतरे थे तो सबकी रिसर्च मिक्सअप हो जाती। आज जो उनके पास सर्च है पूरी दुनिया मांगेगी तो उसके वो उसका वो मुआवजा। अब मुझे बताएं, आपके इधर से चाइना जाता है, चाइना कहता है कि भाई मैं भी साउथ पोल पे जाऊंगा, इंडिया के पास तो आएगा, वो कहेगा कि भाई कैसे गए थे आप, वो हमें भी बताओ, इंडिया तो वैसे तो बताएगा नहीं। बिल्कुल, क्या लगता है कि आपको उनके रिजर्व कितने ज़्यादा बढ़ेंगे, दुनिया पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ट्रस्ट भी बढ़ेगा उनकी हर चीज़। अब देखे ना, मैं इस वक्त मेरी उम्र 52 है प्यारे भाई, मेरी एज उस वक्त 19 या 20 थी जब मैं ये बात सुनता था कि भाई इंडिया सॉफ्टवेयर बना के दुनिया को बेचता है। मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया ये, और उसमें ये भी मैंने सुना था कि 97% सॉफ्टवेयर इंडिया बनाता है। इंडिया उस वक्त कहता था कि भाई ये जो मुल्क है इसको 100 गार्ड कोई चलाते हैं, कोई चलाते हैं, तो हम उस वक्त हमारा खून खोलता था, खबरदार वो हमारे मुहाफिज़ हैं, उनके बारे में कुछ कहा तो। लेकिन अब सारी बातें सच्ची हो रही है ना, हो रही ना मेरे प्यारे भाई सच्ची? तो भाई वो सच्चे थे, वो इस काबिल हैं कि वो वहाँ पर जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ मीम्स बना सकते हैं, चांदते चले गए ने सानू इंज करेंगे उतोया करेंगे, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर हम इंडिया की बात सुनते साथ ही यहाँ पर बड़ा आसान है, आप यहाँ पर इंडिया के मुर्दाबाद के 4 नाले लगा दो, आपके पीछे पूरी पब्लिक खड़ी हो जाएगी। आप यहाँ पर खड़े होकर कहोगे पाकिस्तान भी जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद, आपके लोग अगेंस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर तो हमें हमारी मेंटेलिटी में ये चीज़ भरी गई है कि दुश्मन हमेशा वो दुश्मन रहेगा, उससे हमारी कभी बात नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, दुश्मनी करने के हम लायक रह चुके हैं इस टाइम उनके? देंगे $600 बिलियन के उनके पास रिजर्व है, इतनी बड़ी मईशत का हम यहाँ पर? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये जो भी आपने बात की ना भाई, अब वक्त बदल गया है उस हवाले से कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं। हाँ जी। अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। हाँ जी। क्यों? हर चीज़ में इंडिया हमसे आगे है, समझ आ गई लोगों को, उन्होंने सब कुछ कच्चा चिट्टा खोल के हमारे सामने रख दिया है। लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अवेयरनेस आ गई। अब आप रेडी वाले से बात करें ना, वो आपको 10 मिसालें देगा, एंज नहीं एंज, वो आपको ऐसी बात बताएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसने मुझे कैसी बात कह दी। पॉलिटिकली भी और वैसे भी लोगों को अवेयरनेस आ गई है, इस चीज़ से लोग डर गए हैं। कौन से लोग? आप और मैं जानते हैं। और अब वो नंगे होके आ गए कि यार हम बुरे तो बन ही गए हैं, अब ऐसी की तैसी इनकी। तो आपको नहीं लगता कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता तो मिट जाता है? तो ये कब तक चलेगा? और आने वाले टाइम के अंदर अगर पब्लिक शोर आ जाता, पब्लिक रोड्स पर निकल आती हैं कि भाई हम अपने जो हम सिलेक्ट करेंगे वो आएगा हुकूमत के लिए, तो अगर इस तरह की कोई सिविल ना फरमाने की तरफ जा रहे हैं हम, क्या हालात नज़र आ रहे हैं फ्यूचर के? भाई आपने फरमाया कि जुल्म जब हद से बढ़ता तो मिट जाता है जी। ये किसी ने कहा कि नहीं कहता, ये नहीं पता किसने कहा है, लेकिन मेरे अल्लाह ने ये कहा है कि कोई कौम जब तक खुद कोशिश नहीं करती उसके हालात नहीं बदलते। तो भाई जब तक हम खुद नहीं ना उठेंगे, थोड़ा सा उठे थे हालात एकदम बदले थे। मुझे याद है कि जिस वक्त टेक ओवर किया था पीपल्स पार्टी ने, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के हक में जैसे ही जुलूस निकला,
उन्होंने वापस ले लिया फैसला। गिलानी ने असम्बली में खड़े होकर कहा था, और उसके अगले दिन से तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, जो जब तक वहाँ पर बैठा रहा वो मेरे मुँह से उसका नाम क्या सुनकर जरदारी उस वक्त तक चलती रही थी। इस अवाम को इस वक्त सजा दी जा रही है एक ख़ास बंदे का साथ देने की वजह से, इन्हें पता है कि ये अवाम उसके हक में है, इसलिए इस अवाम को सिर्फ और सिर्फ दबाया जा रहा है। जिस वक्त ये अवाम उठ गई बस हमारे उठने की देर है, तो ये सब कुछ नहीं, सब झाक की तरह बैठ जाए। नहीं भाई, वक्त की ज़रूरत है, इधर इंडिया है, उधर हमारी साइड पर है अफगानिस्तान, इधर चाइना, तीनों ऊपर उठ गए हैं, हम रह गए हैं। हम इस कदर खूबसूरत जगह पर हैं, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इस कदर खूबसूरत खिता दिया हुआ है कि ये सब लोग मुंह में पानी आता है इनके, रूस रो रहा है गर्म पानी के लिए, उसका रास्ता हमसे बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नाहली है भाई, और हम इस चीज़ को बड़ी तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल ऊपर से नीचे बहता है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तेल ना निकालने के पैसे लेता है। हमें मना किया गया कि वहाँ से पेट्रोल नहीं लेना, हमारे जो फादर साहब है ना मिस्टर टॉम, उन्होंने मना किया है, लेकिन खुद शाम को वहाँ से रात को स्मगल होके आ रहा है 30-40 रुपए लीटर, और यहाँ पे जो है ना 300 रुपए लीटर भी। क्या क्या कहें यार, कौन कौन से फोड़े दिखाएं आप मुझे बताएं। रशिया से मना सेंशन लगे थे इंडिया को, अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, उनके फॉरन मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि भाई तुम कौन होते, हु द हेल आर यू, हम जिससे मर्जी ट्रेड करें, हम जिससे मर्जी लें, हमारी फॉरन पॉलिसी कब आती नहीं आजाद होगी। भाई वो कहने की पोजीशन में थे तो वो कह रहे थे, यहाँ पर तो वो कह रहे थे कि वो जो खूबसूरत जुमला बोला था हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कि बैगर्स बैगर्स कांट चूजर्स, यार कितनी बड़ी बात है यार, गो के अवाम खड़ी होगी जिसके खिलाफ, और ये अमरीका को भी पता है कि पाकिस्तान की अवाम भी मेरे खिलाफ है और इनका हुक्मरान भी मेरे खिलाफ था जिसको हमने अंदर कर दिया, वो तो उन्होंने टेक ओवर कर लिया, सब कुछ हो गया। क्या आप लोगों ने देखी एक पाकिस्तानी एक शहरी की, पढ़े लिखे शहरी की, जो कि कह रहे हैं कि हालात बेहतर करने के लिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनकी बात से कितने अदफा करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम आपका? आज़ाद अली शाह जी। क्या करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ जी। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं सर, उन्होंने 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आना था, उसके बाद G20 की मीटिंग के लिए हिंदुस्तान जाना था, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और इंडिया वो 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को रिजेक्ट करके इंडिया जाने के क्या वजूहत लगती हैं आपको? वजूहत यही है जी, यहाँ पर उनके मफाद जो थे वो कम थे और उधर ज़्यादा थे, तो लीडरशिप उनको कोई अच्छी नहीं लगी, इस वजह से वो उधर गए। तो हम तो कहते हैं कि मुसलमान मुस्लिम उम्मा सबसे पहले तो उनके लिए मुसलमान मुसलमान के लिए होता है, तो वो तो फिर हिंदुस्तान चले गए, क्या कहना चाहेंगे? वो इसकी रीज़न यही है ना, माफाद जो है उनके जहाँ पे बेहतर लगे हैं उधर ही जाना पड़ेगा, और इधर उनको नहीं सेप्टेबल हो सके। तो क्या वजूहत है कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, सऊदीया क्या, दुबई क्या, जितने भी बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सब इंडिया की जी हजूरी कर रहे हैं, हम क्यों इंडिया से दुश्मनी करते हैं? इंडिया से दुश्मनी तो मुसलमान को तो करनी नहीं चाहिए किसी के साथ भी, और जो है मफाद बात जो है मतलब हमारे मुसलमानों में खुद में इतफाक नहीं है, और अल्लाह ताला का फरमान है बरकत तब भी होती है जब आपका अंदर से ज़मीर एक जैसा मुसलमान के साथ हो, और मुसलम उम्मा के साथ चलें, 5 टाइम की नमाज हमारे पे फ़र्ज़ है। हम काम क्या लगता है कि आपको ये जो हालात पैदा किए गए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, जो हालात ख़राब है, हालात ठीक करके ट्रेड कर लिया जाए, आज जितने भी पुरानी बातों को बोलकर एक होने का टाइम आ गया क्या? नहीं क्या, हम एक हो जाएं पुरानी बातें बोलकर? ये तो हमारी लीडरशिप को सोचना चाहिए ना, हमारे पास। आप क्या कहते हैं पर्सनल, एक पाकिस्तान के शहरी क्या सोचता है इस बारे में? सोचते तो यही है जी, हर तरफ यही अमन हो, और अमन से हर कोई बंदा खुशहाल हो, और ये ज़्यादा बेस्ट यही है, हमारे सियासतदानों को अपना सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास यही वक्त है, बाद उसके बाद आखिरत में कुछ भी नहीं है उनके पास। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अब्दुल वदूद। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि अभी की जो न्यूज़ है, जो हमारे सरबराह जिसे हम कहते हैं जहाँ से इस्लाम आया, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे 6 घंटे के लिए, उसके बाद हिंदुस्तान जाना था G20 के समिट को अटेंड करने के लिए। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर दिया और वो अभी जाएंगे हिंदुस्तान,
तीन दिन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? वो पाकिस्तान को रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं? हम तो कहते हैं कि भाई मुसलमान मुस्लिम उम्मा है, क्या हमको हाँ क्यों कह सकते हैं? सॉरी, मैं पाकिस्तान को क्यों नहीं मना कर सकते? हम तो कहते हैं मुस्लिम उम्मा है कि हम उधर ही ज़्यादा, हमसे ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में। हाँ, तो फिर पाकिस्तान को छोड़ देंगे? छोड़ना ही बनता है जो हालात चल रहे हैं। क्यों क्यों आपके सामने हालात? आज सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों फेस कर रही है अपना? अगर हम इतने ही अच्छे हैं, हम तो कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हम, अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो दुनिया हमारा बायकॉट क्यों करती आ रही है? अच्छे नहीं इसलिए कर रही है, हम तब क्या हम अच्छे हैं? हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। कौन कहते हैं? हम कहते हैं कि मुसलमान जो कि हिंदुस्तान है वो तो वहाँ पर तो नॉन मुस्लिम है, वो तो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं। मुसलमान तो अच्छे हैं, असल में मुसलमान अब अच्छे नहीं रह गए, इस्लाम अच्छा है, मुसलमान ही अच्छे रह गए। मुसलमान और इस्लाम में फ़र्क है। अच्छा, क्या फ्यूचर देखते हैं? डार्क।